चैनल में आपका स्वागत है। बिहार के हर एक जिले की खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा न्यू अपडेट आपको मिलता रहे। अपने इतने प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और ऐसे अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखें ताकि बिहार के हर एक छोटे से बड़ी खबर आप तक पहुँचा सके। आप देख रहे हैं पहली नजर न्यूज, खबर भी असर भी। अपडेट न्यूज की प्रायोजक है आईटी स्पार्क सॉल्यूशन, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का एकमात्र जरिया। लखीसराय जिले के बरड़िया थाना अंतर्गत खुटाहाडी में टॉप 10 अपराधी के खिलाफ रात्रि में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी मोहम्मद अशरफ उर्फ असरहुद्दीन उर्फ अजहर उर्फ सुफियान पिता असलम ग्राम खुटाहाडी से गिरफ्तार किया गया। इसके पास एक पिस्टल 5 गोली भी बरामद हुआ है। वहीं एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि बरहड़िया के अलावा जमुई जिले और बेगूसराय जिले में भी कई मामले दर्ज हैं। इस मौके पर एसपी कार्तिकेय शर्मा, एसडीपीओ मनीष कुमार, बरहड़िया थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। कुछ जानकारी मिली थी कि ये खुटाहाडी में जगह पर आए हुए हैं। इसके लखीसराय के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और छापेमारी की गई, इसमें इनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ में इनके पास से एक पिस्टल और 5 गोली बरामद की गई है। इसके अलावा इनके ऊपर लूट का और धमकी का और बेरोजगारी का भी आरोप हो चुका है। समस्तीपुर से महागठबंधन नेता के द्वारा बिहार बंद के दौरान आज जिले में आम जनता के साथ विभिन्न जगहों पर मोटरसाइकिल सवार के साथ किया मारपीट और मोटरसाइकिल किया तोड़फोड़। भागलपुर से मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले भर के रसोइये संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पर वेतन वृद्धि, सेवा नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में रसोइया कर्मचारी ने नाथनगर, सवर, सुल्ताने, नौगछिया, पीरपैती के सभी मुख्य सड़कों पर आवागमन पूरी तरह रोककर जमकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर आवागमन बहाल कराने में पुलिस के पसीने छूट गए। हालांकि सवर में सहायक जिला पदाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर सड़क जाम को समाप्त करवा कर आवागमन को बहाल करवा दिया है। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने जल्द अपनी मांग पूरी करने की अपील की है, नहीं तो प्रदर्शनकारियों ने शहर सहित सभी प्रखंडों में जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को दे दी है। क्या चीज को लेकर के आप लोग? 15 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया हड़ताल पर है। पहला मांगे का 18,000 रुपया वेतन दो, मातृ अवकाश दो और नियुक्ति पत्र और चयन पत्र दो और जो है तमाम सुविधा सरकारी कर्मचारी का चतुर्थ दर्जा के लिए यह हड़ताल 7 तारीख से चल रहा और चलेगा। इस मांग को लेकर के आप लोग? हम सब वेतन मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार हमें 1250 वेतन देती है जिससे कि हमको 9 से 4 बजे तक काम करना पड़ता है। सरकार हमको वाजिब काम करवाती है और वाजिब दाम नहीं देती है। इसी के लिए, वाजिब दाम के लिए हम लड़ने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। BGL5 भागलपुर सुल्तानी ने मध्य विद्यालय के रसोइये ने बिहार बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सुल्तानी प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर जुलूस निकाला गया। पूरे शहर भ्रमण कर चक्का जाम किया। जब तक उनकी मांगे पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगी। हम लोग मांग के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि जब तक सरकार हमको मांग पूरा नहीं करेंगे हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे और ये आंदोलन जारी रहेंगे। आज क्या किया? आज गुलाब बंद किए और चक्का जाम करेंगे। BGL5 भागलपुर सुल्तानगंज में रोल सभा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा पर लाठीचार्ज होने के विरोध में सुल्तानगंज शहर व सरकारी संस्थान को बंद कराया गया, जिसमें प्रखंड मुख्यालय, बैंक व सरकारी स्कूलों को बंद कराया गया। इस कार्यक्रम के नेतृत्व में प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश ने, इस दौरान पंचायती राज के जिला अध्यक्ष अशोक दास ने कहा कि लोकतंत्र पर जबरदस्त हमला सरकार के द्वारा किया गया है, इसका हम विरोध करते हैं, ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। इस दौरान राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मेराज, गौतम कुमार, CPM के सुभाष ताती ने भी समर्थन किया। इस दौरान महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। मर्दाबाद, 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 तानाशाही बंद करो, बंद कराओ।
डिमांड को लेकर के हम विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी सरकार को जो है ना बर्खास्त कर देना चाहिए। ये जो लोकतंत्र पर हमला किया गया, हाँ ये लोकतंत्र पर हमला किया गया, ये हमला नहीं होना चाहिए, हमला नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज आप लोग क्या किए? हम लोग आज ब्लॉक में, ब्लॉक से लेकर स्कूल, बैंक सब में बंद कराने का, पूरे बिहार बंद के लेकर के बंद कराए हैं। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट में मौनी अमावस्या को लेकर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि मिथिलांचल के लोग पार्वती माँ को बेटी मानती है और आज के दिन बाबा भोलेनाथ का विवाह के कार्यक्रम के लिए बाबा भोलेनाथ को पसंद कर चुपचाप भोलेनाथ को छेका करने के लिए उत्तर वाहिनी गंगा जल से पूजा पाठ कर जलाभिषेक किए थे। इसलिए आज के दिन मौन धारण कर गंगा स्नान कर बाबा बैद्यनाथ के लिए पैदल यात्रा कर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए मिथिलांचल के कांवड़िया निकल पड़े हैं। महादेव शिव का श्री पंचमी के दिन ही महादेव का सगुन छेका पड़ा था और फागुन मास के शिवरात्रि में उनका शुभ विवाह हुआ, इसलिए इस पर्व को बड़े धूमधाम से हिंदू समाज में लोग मनाते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं बाबा धाम के लिए। मुंगेर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 2 फरवरी 2019 को गौतम कुमार की हत्या में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर SP गौरव मंगला ने प्रेस वार्ता में बताया कि मृतक गौतम कुमार का और मुख्य आरोपी रवि कुमार का गांव के ही रहने वाली चमनी देवी से प्यार का चक्कर चल रहा था। मुख्य आरोपी रवि कुमार ने अपना बयान में पुलिस को बताया कि उसने मृतक गौतम कुमार को उसके रास्ते से हट जाने को कहा, जिस बात को गौतम ने अनसुना कर दिया और रवि कुमार ने अपने 4 दोस्तों के साथ गौतम को फोन करके बुलाया और उसकी हत्या कर दी। मृतक और सभी आरोपी मुंगेर जिला अंतर्गत बरियारपुर थाना के घोरघट का ही रहने वाला है। पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए एक देसी कट्टा, एक मोबाइल फोन एवं फायर किया हुआ खोखा भी बरामद कर लिया है। समस्तीपुर जिले में विभिन्न जगहों पर रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आज महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का भरपूर असर देखने को मिला है। वहीं महागठबंधन के द्वारा किया गया बंद के दौरान पूरे जिले भर में अस्त व्यस्त रहा, कहीं भी गाड़ी चलाने नहीं दिया गया। वहीं विभिन्न जगहों से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा आम जनता के साथ मारपीट की गई है, जो कि काफी निंदनीय है। इस बंद को लेकर रसोईया संघ ने भी समर्थन किया। वहीं आने जाने वाले जनता मोटरसाइकिल सवार पर भी डंडा बरसाया, साथ मोटरसाइकिल को भी तोड़फोड़ किया गया। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने भी पिटाई करने में पीछे नहीं रहे। शहर में सुबह 10 बजे से ही जाम लगा हुआ था, जो कि लगभग 3 बजे दोपहर बाद जाम को समाप्त किया गया। नीतीश कुमार की सरकार को लोकतंत्र और जनतंत्र से विश्वास हट चुका है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी यह होने नहीं देना चाहती है यह सरकार। ये गुंडों लुच्चों की सरकार हो गई है। जब उपेंद्र कुशवाहा जी शांतिपूर्ण तरीके से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने वाले थे, वैसी परिस्थिति में अकारण लाठी चलाना और उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने का यह प्लान था, जो किसी तरह कार्यकर्ताओं के कारण बच गए। इस कारण से हमने यह सांकेतिक बिहार बंद किया है और मैं नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सचेत हो जाएं, नहीं तो जनता सड़कों पर होगी और आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आज मैं धन्यवाद देता हूं जनता को कि उसने हमारा कुछ बदल दिया। क्या नाम हुआ सर? अबू तमीम जिला अध्यक्ष कांग्रेस। बिहार बंद को लेकर 2 फरवरी को हम लोग शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च कर रहे थे, डाकू वाला चौराहा पर
नीतीश कुमार के मुंडे ने माननीय प्रत्येक कुशवाहा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला कर दिया। वो हमला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नहीं लोकतांत्रिक पर हमला है। हम नीतीश कुमार से यही चाहते हैं वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे दें, उनके लिए बेहतर होगा। हम लोग राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द यहाँ लागू होना चाहिए। जो आजकल महागठबंधन के नेता को टारगेट किया जा रहा था, अगर उनको कुछ करना था तो यहाँ रघुवर राय जी मरे, अभी तक उनका कोई पता नहीं है कौन मारा नहीं मारा। अगर करना तो उसको जाकर पता कीजिए कि रघुवर राय जी को कौन मारा। उपेंद्र कुशवाहा बेकसूर है आदमी, वो आक्रोश मार्च कर रहे थे, शांतिपुर कर रहे थे, उस पर हम लाठीचार्ज कर दिया नीतीश कुमार के गुंडों ने। रोड जाम किए हैं, क्या कहना है? आज हम लोग 2 तारीख को पटना में शिक्षा में सुधार को मांग को लेकर के 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर महामहिम राज्यपाल को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में राजभवन मार्ग जा रहे थे। डाक बंगला के पास बिहार सरकार के इशारों पर हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर जानलेवा हमला किया गया। इसके विरोध में आज संपूर्ण बिहार बंद है। नीतीश कुमार जी और खास करके NDA का शासन में महागठबंधन के नेताओं को टारगेट कर करके उन पर या तो हत्या करवाया जाता है या उन पर हमला करवाया जाता है। इसलिए हम आज संपूर्ण विपक्ष बिहार को बंद किए हुए हैं और मांग करते हैं कि तमाम जो महागठबंधन के बड़े नेता है उनको जेड श्रेणी का सुरक्षा मिले और नीतीश कुमार अविलंब इस्तीफा दे। आज सड़क जाम कर रहा है। यह सड़क जाम बिहार सरकार की गलत नीति के खिलाफ में है। ये रसोईया जो स्कूल में मिड डे मील का खाना बनाती है, मात्र 1250 रुपया, वो भी 10 महीना ही मिलता है। मानदेय की बढ़ोतरी का सवाल है। श्रम सम्मेलन में जो फैसला लिया गया है, उस सम्मेलन के फैसला को लागू करने के लिए न्यूनतम मजदूरी जो बिहार सरकार ने घोषणा किया है, उस घोषणा के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी की मांग है। 12 महीना का 12 महीना मानदेय का मांग है। सरकारी कर्मचारी को दर्जा देने का मांग है। इन मांगों को लेकर के 7 जनवरी से लोग हड़ताल पर में हैं, लेकिन नीतीश जी इस बात पर में सोचने के लिए तैयार नहीं है। और इनका इतिहास भी रहा कि आज तक कभी भी जो आंदोलनकारी नेता है, आंदोलनकारी संस्थान है, उससे ये बात नहीं किए। बहुत बड़े तानाशाह वो बिहार में है और अब तो हम समझते हैं कि जो उनकी अर्थी बिहार से उठने वाली है। क्या नाम हुआ सर? मनोज कुमार गुप्ता, सचिव जिला। रोड जाम है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, आज देखिए जिस तरह से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री के इशारे पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी पर जिस तरह पुलिस के द्वारा जानलेवा हमला कराया गया, उसी के विरोध में आज तमाम विपक्षी पार्टी हम लोग पूरे बिहार को बंद किया है। उसी क्रम में आज समस्तीपुर संपूर्ण रूप से बंद है। तमाम विपक्ष के नेता एकजुट होकर के इस बंदी के समर्थन में सड़क पे उतरे हैं। हम लोग का मानना है, तमाम महागठबंधन के लोगों का मानना है कि वर्तमान सरकार, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे NDA की केंद्र की सरकार हो, तमाम राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करके, पहले तो कार्यकर्ताओं और समर्थकों नेताओं की हत्या की जा रही थी, अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ये लोकतंत्र के विरोध में है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे अलोकतांत्रिक कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और इस पूरे घटना की एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा जैसे तमाम राष्ट्रीय नेता को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। जो जा रहे थे आपको, कुछ लोगों जो आपको पिटाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? सर हम लोग जो है रास्ता से जाम लगा हुआ था, एम्बुलेंस मेरे पीछे आ रहे थे, साइड हम लोग साइड करिए, साइडे कर रहे थे, हाथ करा कि तू रिकॉर्डिंग कर रहा है, गाली देकर के तुम आधा जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, गाली हम लोगों को दिया और हम लोगों को जो है मारपीट पीछे से शुरू, हम लोग के ऊपर हाथ चलाया, पीछे से बैग का चाबी खींच रहा था, एक लड़का को बैग का चाबी भी फेंक दिया, जबकि हम लोग बहुत आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, हम लोग किसी को गलत एक शब्द नहीं गाली दिए हैं किसी को। क्या नाम हुआ? राम सूरत यादव। कहाँ से आए हैं? दरभंगा से आए हम लोग। घर कहाँ हुआ? दरभंगा बहेड़ी थाना पड़ता है। आप यहाँ कहाँ जा रहे थे? पटना जा रहे हैं। पटना जाने के दौरान आपको ये लोग समस्तीपुर में कोई मालूम भी नहीं है, कुछ लड़का ऐसे सवाल भी करता है कि रोड जाम है, पहले पेपर क्यों नहीं पढ़ लिया, ये क्यों नहीं किया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार यादव। आप कहाँ जा रहे थे? हम भी पटना, हम दोनों भाई है। दोनों भाई हैं? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बहेड़ी थाना, मेरा घर हुआ बिहरौना, बहेड़ी थाना में पड़ता है, दरभंगा जिला। ठीक। बिहार की हर एक जिले की खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी दबाएं जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी मिल सके।
आप देख रहे थे पहली नजर न्यूज।